सभी को नमस्कार। आपके चैनल जेनरिक क्रिएशंस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम रहस्यमय और कुख्यात भानगढ़ किले का पता लगाते हुए एक रोमांचक साहसिक यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसे अक्सर भारत में सबसे प्रतिवादित स्थानों में से एक माना जाता है। अब चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के अरावली रेंज में स्थित भानगढ़ किला रहस्य और भयानक कहानियों से घिरा हुआ एक स्थान है। किंवदंती है कि किला शापित है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश सख्त वर्जित है। आज हम भानगढ़ के आसपास के इतिहास, मिथकों और निश्चित रूप से असाधारण कहानियों का पता लगाने जा रहे हैं। 17वीं शताब्दी में भगवंत दास द्वारा अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए निर्मित भानगढ़ किला उस युग की वास्तुकला प्रतिभा का प्रमाण है। हालांकि किले की भव्यता अल्पकालिक थी, क्योंकि यह सदियों से खंडहर हो गया था। किले के आसपास एक समय समृद्ध रहने वाली बस्ती अब वीरान हो गई है, जिससे उस जगह का माहौल और भी डरावना हो गया है। भानगढ़ किला न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए, बल्कि इसके आसपास के विभिन्न मिथकों और किंवदंतियों के लिए भी जाना जाता है। एक लोकप्रिय कहानी एक जादूगर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया। अपने प्यार को जीतने के जादूगर के असफल प्रयास के कारण एक अभिशाप हुआ, जिससे किला और उसके निवासी बर्बाद हो गए। कई पर्यटक भानगढ़ किले में असाधारण गतिविधियों का अनुभव करने का दावा करते हैं। अजीब आवाजों और भूतों से लेकर देखे जाने के एहसास तक, किले ने एक प्रतिवादित स्थान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की है। आज हम उन लोगों द्वारा साझा की गई कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों का पता लगाने जा रहे हैं, जिन्होंने अंधेरे के बाद भानगढ़ के रहस्यमय इलाकों में जाने का साहस किया है। अब हमारे बहादुर चेहरे पहनने और दिन के उजाले में भानगढ़ किले का पता लगाने का समय आ गया है। हम खंडहरों में घूमेंगे, स्थापत्य अवशेषों को देखकर आश्चर्यचकित होंगे और शायद तथ्य को कल्पना से अलग करने का प्रयास करेंगे। जब हम दिन के समय भानगढ़ के मध्य में कदम रखते हैं, तो मेरे साथ जुड़े भानगढ़ किले के रहस्यों को जानने की यह कितनी अविश्वसनीय यात्रा रही है। चाहे आप अलौकिक में विश्वास करें या ना करें, इस प्राचीन किले के चारों ओर की रहस्यमय आभा से इनकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।